बारामूला के इलाके वीरीनार हदीपोरा कंडी का रहने वाला परवेज अहमद कुंदाल वल्द शमसदीन कुंदाल, जो कि पुरअसरार तौर पर 19 अप्रैल 2018 को घर से लापता हुआ था। ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी कश्मीर का कहना है कि 21 अप्रैल 2018 को परवेज अहमद कुंदाल का पुरअसरार तौर पर कत्ल किया गया, बाद में उसकी लाश भी मिली। इस हवाले से आज ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी कश्मीर जोन के सदर चौधरी नवाब नजीर ने बारामूला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मोदीबाना अपील किए हैं कि इस कत्ल केस को संजीदगी से देखकर इसकी तहकीकात शुरू की जाए और कसूरवारों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। इस मौके पर ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी कश्मीर जोन के सदर चौधरी नवाब नजीर ने कश्मीर क्राउन से बात करते हुए कहा। जो हमारी आवाज़ किसी हद तक पहुंचाती है, और सबसे पहले मैं ये जो गरीब लोग हैं इनके लिए इंसाफ की अपील करना चाहता हूं ज़िला इंतज़ामिया से, ज़िला इंतज़ामिया बारामूला से। जैसा कि 19 अप्रैल को परवेज अहमद कांदल घर से लापता हुआ और 4 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी मिली मस्जिद अंगन गाँव से, इसलिए पुलिस बारामूला के जो सरबराह हैं SSP इम्तियाज़ साहब, एक बहादुर अफसर हैं, एक ईमानदार अफसर हैं, मैं उनसे मोदबाना अपील करना चाहता हूं कि वो इस केस के जितने भी मुलजम हैं उन पर FIR लॉन्च की जाए ताकि इन गरीब लोगों को इंसाफ मिल सके, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, इनको मार्केट में आने के लिए कम अज़ कम 2000 रुपये 1000 रुपये खर्चा लगता है, लेकिन इनकी उतनी औकात नहीं है कि ये उस तरीके से खर्चा कर सकें और अपने इस केस का पीछा कर सकें। लेकिन मैं ज़िला इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जितने भी इंतज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि DC साहब, SSP बारामूला साहब से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि उनके परवेज के जितने भी ये रिश्तेदार हैं, खासकर उनके बीवी बच्चे और उनके माँ बाप को इंसाफ मिला जाए और उनके खिलाफ जो भी उस केस के अंदर मुलविज हैं उनके खिलाफ FIR लॉन्च की जाए। हमने उसी को सारो थो और कोई सारो नहीं, उसी को सारो थो, उसी पर बैठी हुई थी फकत मंग के वक्त पास करूँगा, मंग के उनके करूँ, इसको इंसाफ मिलना चाहिए बस। और क्या SP साहब ना उस साहब तुम हाथ जोड़ के इसको इंसाफ मिलना चाहिए बस। मैंने उसे बच्चा को सारा उसे वही बच्चों का हाथ चलाया, उन्हीं तारीख जो था जो लाश है कोई गौर नहीं की मेरा बच्चा। गुजारिश करता हूँ SP बारामूला से इम्तियाज़ साहब से कि ये लोग जो हैं ये गूंगे लोग हैं, कहने के काबिल नहीं है, कोई इनकी सुनता नहीं है, ये अपनी गुजरी में चंद बातें कहते हैं, हर एक इनकी बातों को टाल मटोल कर आगे से जवाब देता है। सर मैं SP साहब बारामूला से खुददार अफसर हैं, माशाल्लाह बहुत नाज है इस इलाके को उन पर, तो उनसे मैं मोहतबाना गुजारिश करता हूँ कि इनके हक को, इनके इंसाफ को आगे दोहरा कर इनको इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है सर, वही बच्चे का सहारा था इनको कि जिस बच्चे से ये कमाई आ रही थी, तरखानी काम करता था, वो तरखानी काम करने के ब्रेक्स 300-400 रुपये दिन को लाता था, इनको खिलाता था। इनकी 3 बहनें हैं छोटी और ये 2 माँ और बाप है उसका, और कोई सहारा नहीं है उसका। और ईद फितर के दिन हमने पैसे जमा किए कटिया वाली से, खिस्टंगन से, हदीपुरा से, पचार से, विरीनार से कर इनको दिया कि ये इनका गुजारा उस पर चल रहा है ईद फितर के पैसे। बस मेरी गुजारिश है जनाब से कि मोहतबाना गुजारिश है कि इसका सही हल, सही मुर्जम जहां तक भी हो सके निकाल कर उनको पटरी पे लाया जाए।